लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के स्लोप से हमें क्या मिलता है। जैसे पहले बता चुके हैं, स्लोप जो होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये ओ ए आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एंगल थीटा है, तो इसका टेंजेंट निकालेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा, एम है परपेंडिकुलर ए बी और बेस ओ बी, यानी ए बी अपॉन ओ बी। ए बी क्या है, ए बी इसके बराबर यानी एस माइनस जीरो, और ओ बी है टी माइनस जीरो, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी, चेंज इन टाइम डेल्टा डी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ वेलोसिटी और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ एक्सेलरेशन। अब अगला जो टॉपिक है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये कर्व नेचर का आपको ग्राफ मिलेगा। एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट होगा।